वाईफाई आ गया, बहुत बहुत राहत मिली। नेट क्यों नहीं आया? नेट वो बहुत तेज आंधी आ गई गाइस, तो सफेद सफेद हो गया। रानी घर पहुंचा होगा कि नहीं, हम लोग उधर ही जा रहे हैं। Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four. सो गुड मॉर्निंग गाइज, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और गाइज सब चले गए अपने अपने काम पे, एकेडमी, स्कूल, ऑफिस, मैं घर पे हूँ। और अभी तक नेट चालू नहीं हुआ है, तो जल्दी से घर का काम कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि फिर वाईफाई वाले आएंगे ना, इसको ठीक करके जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना काम करते हैं। सो गाइज टाइम हो गया है 9:30 और मेरा सारा काम हो गया है गाइज, लेकिन वाईफाई के बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन वाईफाई आ गया है, ये देखो। तो गाइज वो आए अभी 9 बजे के लगभग, और ये देखो नया ये लगा दिया वाईफाई का बॉक्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखिए नया बॉक्स लगा दिया, पहले ऐसे फ्लैट था ना दीवार पे, वो ले गए, अभी ये न्यू लगा के गए हैं और पूरा सेटअप नया लगा दिया है। और कान्हा जी हमारे आ गए थे 8:30 बजे ही, ये देखो, और हो गया है कान्हा जी का काम स्टार्ट स्कूल का। वाईफाई आ गया, बहुत बहुत राहत मिल रखी है। पता नहीं क्यों जिंदगी रुक सी जाती है किसी चीज़ की, मतलब कमी हो जाए या फिर वो चीज़ रुक जाए ना, तो पता नहीं ज़िंदगी रुक सी जाती है, ऐसा लगता है मतलब क्या जो हो गया, सब चीज़ चलता है, बट ऐसे जो कल से ऐसा भारी भारी सा ऐसा लगता है, पता नहीं क्या जो हो गया यार, नेट नहीं है, सारे गाल पे हाथ लगा बैठे हैं यहाँ, टीवी देख रहे हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा था, बट अब नेट आ गया। खुशी बोल रही थी मम्मी नेट प्लीज़ ले आना जब तक मैं आती हूँ, मैंने कहा मेरे हाथ पे थोड़ी है, वो अंकल आएंगे तब वो ठीक करेंगे तब जाके। और कान्हा जी भी अपना ऑनलाइन काम कर रहे थे, अब लैपटॉप लेके आ गए गाल पे लगा के, कल से ये भी बेचारा सूना सूना सा है, शांत बैठा हुआ है लैपटॉप, अब कान्हा के हाथ पे आ गया ना, अब चालू कर देगा ये। सो गाइस चलो फाइनली आ गया है वाईफाई, खुशी आ गई। काम किया तूने? खोल दरवाजा, सारी लेटर लिख ली है, एमएससी का दरवाजे बंद कर। सर पे क्या चिपका के लिए आई है? आई वो चौक लग गई है। और कैसा गया दिन? ऐसे क्यों खुश हो रही है? छुट्टियां पड़ गई। ओहो छुट्टियां पड़ गई है। नेट नहीं आया। आजा। नेट क्यों नहीं आया? नेट वो यार वो क्या बोलते हैं डब्बा लगा के गए हैं, बट नेट आया नहीं यार। अगर आ जाएगा तो क्लियर ले लो शाम को, फिर से क्या होगा? मेरा आपको मैंने क्या बोला था? तो मेरे हाथ में है वो, उनको बोल दे ठीक करके जाओ, उन्होंने बोला सर्वर वगैरह डाउन हो रहे हैं, शाम को आएंगे फिर एक चक्कर। सर्वर डाउन है, एक इसमें एक लाइट नहीं आ रही थी, सर्वर डाउन है। हाँ चल चेंज कर ले फिर, देख खोल अभी है तभी तो होगा। तो कनेक्शन तो वही से है ना, चार्जर लगेगा वहाँ पे, तो वो तो सही है। चल छोड़, तू जलाव निकाल दे, पर वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई है, कल सारे नेट तो कल ही खत्म हो गया यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे तू यार तू जलाव निकाल, नेट चालू है। खुशी का मूड खराब हो गया था। अरे यार लगी रहा था प्रैंक, तूने गड़बड़ क्यों करा यार, खाना तो बहुत गंदा है। आपने की है, मैंने क्या गड़बड़ करी? देखो हाँ दिखा, अगर गाइस अगर वीडियो लेट हो जाए ना, 5-6 मिनट भी लेट हो जाए ना, मम्मी का शुरू हो जाता है, वीडियो कब अपलोड होगी, वीडियो कैसे अपलोड होगी, कैसे होगी। और मम्मी मैं शांत से बना रही वीडियो, वीडियो अपलोड नहीं हुई आज तो, ऐसे तो तुझे मुझे तो पता ही था, मैंने एक्टिंग करी थी, सारा गड़बड़ तूने किया। नहीं बोलते अरे यार गाइस, आज फिर प्रैंक गड़बड़ हो गई, पता नहीं कैसे हो जाता है, मैं हंसी भी नहीं, हंसी में मेरे साथ प्रैंक कर रही हूँ, मेरे साथ खुशी के साथ
प्रैंक करने की कोशिश कर रही थी, हमने सोचा कल ये गुस्सा हो रही थी कब आएगा नेट कब आएगा, तो मैंने कहा काना ने बोला इसके साथ प्रैंक करना, एक मिनट पहले ही मैंने प्लग निकाला है इसका। गाइस मम्मी ने तो बोल दिया था कि मम्मी ने बोला नहीं रहने दे। हाँ फिर हमने कहा चल करते ही हैं, बट हो गड़बड़ हो गई। ये काना गंदा है, ये तूने प्लग क्यों लगाया उसका, दांत निकाल रहे हैं वहाँ से, सारी इसकी गड़बड़ी है इस लड़की की। तो गाइस खाने का टाइम हो गया है, खुशी भी आ गई है, तो चलिए खाना खाते हैं। मैंने आज छोले चावल बनाए हैं विद अचार, और ये देखिए ये क्या लगा हुआ बनाने पे, कॉमिक बना रहा है अपने, दिखा दिखा दिखा, कॉमिक का वो नहीं होता, कार्डबोर्ड चिपका देंगे वो आगे। अच्छा अच्छा पता नहीं क्या कर रहा है इसका, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो चलिए गाइस खाना खाते, पहले खाना खा ले फिर बनाते रहना खाना। सो गाइस टाइम हो गया है मेरी एकेडमी जाने का, और गाइस मैंने अपना झोला टांग लिया है और अभी मैं जाऊंगा एकेडमी। सो गाइस चलिए चलते हैं एकेडमी, और गाइस मैं आपको दिखाता हूं मैंने जो अपनी कॉमिक बनाई थी ना उसके लिए, जो फ्रंट वो नहीं होता क्या बोलते हैं उसको, फनी कैरेक्टर नाना ये री मम्मी हाँ। और क्या बोलते हैं उसको जो नहीं रहता बुक के फ्रंट पे जिसमें कवर बना रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। स्टाय पर बढ़िया है, इसको मैं कार्डबोर्ड पे चिपका दूंगा फिर ये मस्त बन जाएगा। अच्छा ये तूने अपने कॉमिक्स का कवर बनाया है क्या, अच्छा तीन जावाज हीरो, अरे वाह वेरी नाइस। पीछे का क्या, पीछे नाइस, पीछे तो अलग उनकी और कंपनी की अलग अलग कॉमिक्स होती है, मेरे पास तो एक ही है। अच्छा अरे वाह सही बनाया है, सही बनाया। सो गाइस मिलते हैं आपको विद एकेडमी के बाद, बाय। गाइस हम लोग बाहर आए हुए हैं थोड़ा हवा खाने के लिए, और अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, शायद बारिश होगी, बादल भी लग रहे हैं, और यहाँ पे सारी आंटी लोग वॉक कर रहे हैं। गाइस देखो हम थोड़ा आगे निकल आए, ये सोसाइटी जैसी है कहीं पे, नाम तो मेरे को नहीं मालूम, और यहाँ पे देखो गाय भी चल रही है, बन रहा है इधर की तरफ। गाइस हम लोग आ गए हैं अब मेन रोड पे ट्रैफिक के बीच, और बादल भी लग रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है शायद आंधी वांधी ना आए इसलिए निकल रहे हैं हम लोग। एकेडमी क्या हुआ है पता नहीं, घर पहुंचा होगा कि नहीं, हम लोग उधर ही जा रहे हैं, ये देखो कितना सफ़ेद हो गया मिट्टी से। गाइस हम यहाँ पे कान्हा को लेने के लिए आए थे, कान्हा चला गया घर, तो हम भी जा रहे हैं वहाँ। उससे भी पूछा वॉचमैन से जो गार्ड रहते हैं, हमने कहा कान्हा गया, उन्होंने अनाउंस भी किया था, फिर मैंने कहा पहले देख लो इसकी साइकिल है, उन्होंने फिर ये अंदर गए साइकिल देखने, उन्होंने बोला साइकिल तो नहीं है चला गया। फिर एक और लड़के से पूछा, हमने कहा कान्हा, बोला कौन, मैं फिर बोला हाँ हाँ वो तो चला गया, कौन था पता नहीं। सो गाइस टाइम हो गया है 9, और खाना पीना हो चुका है, सोने की तैयारी हो रही है। कान्हा जी बोल रहे मम्मी चलो सोने के लिए, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि सुबह इसको जल्दी जाना होता है तो नींद पूरी हो नहीं रही है। सो गाइस आज आपने देखा हम लोग राइड के लिए गए थे, तो बाहर इतनी तेज आंधी आ गई थी, आंखों के अंदर पूरा रेत, मुंह में रेत, बहुत रेत रेत भर गया। फिर इसको लेने के लिए गए, ये वहां से निकल गया था। हाँ बता क्या हुआ। अच्छा मैं अकेडमी में था ना, साइकिल निकल रहा था हाँ? क्या हुआ, बगल में एकदम से बहुत जोर की आवाज आई, छर, और पूरी चिंगारी निकली ऊपर से। कहाँ से गया वो, क्या बोलते हैं वो जो होंगे, एकदम बहुत तेज आवाज आई और ऊपर से चिंगारी आ गई। अच्छा और गाइस कूलर भी आना था, तभी हम लोग इसको लेने के लिए गए थे कि बहुत तेज आंधी आई थी, बहुत जैसे तैसे निकाल के लेके आए स्कूटी। सो गाइस कूलर भी चालू हो गया है, बस अब जा रहे सोने के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आई होगी, और हाँ हमारा वाईफाई लग गया फाइनली। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जल्द से लाइक कर देना, पसंद आए तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जो हमारे चैनल न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।